भाई सेक्रेट गेम्स के बाद से ही इंडिया में अब कड़क वेब सीरीज की कोई कमी नहीं रही है और इन बहुत सारी वेब सीरीज की भीड़ में कुछ असली मास्टरपीस हैं जो छुप कर रह जाती है। लेकिन एज अ ट्रू मूवी फैन हमारा काम है असली बवाल कंटेंट को ढूंढ कर निकालना, और इसीलिए आज इंडियन सिनेमा के ट्रू फैंस के लिए मैं लेकर आया हूं वो बवाल इंडियन सीरीज जो 100% क्वालिटी कंटेंट है लेकिन अब तक आपने उनका नाम भी नहीं सुना है। टॉप 7 एकदम हिडन इंडियन सीरीज जो अब तक आपने नहीं देखी है, तो चलिए शुरू करते हैं। We are experiencing heavy turbulence due to bad weather. Mayday! इसे टाइम ट्रैवल की तरह स्टेज क्यों किया जा रहा है? स्टेज नहीं किया जा रहा शांतनु, ये टाइम ट्रैवल है। तो लिस्ट की शुरुआत होती है एक ऐसी सीरीज से जिसे क्रिटिक्स ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अपने यूनिक कंसेप्ट और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के जरिए इसने व्यूअर्स का दिल जीत लिया था। 2020 में रिलीज हुई प्राइम वीडियो ओरिजिनल सीरीज अफसोस, जो कि एक ब्रिटिश फिल्म डेड इन अ वीक से इंस्पायर्ड है। ये कहानी है एक डिप्रेस्ड इंसान की जो किसी भी तरह से बस अपनी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता है, पर अफसोस कि बहुत सारी कोशिशों के बाद भी वो खुद को मारने में सफल नहीं हो पाता। लेकिन कहानी का जो असली ट्विस्ट है ना, वो कुछ और ही है और वो बहुत मजेदार है। अब इस सीरीज की स्लो पेस इसकी स्टोरी में थोड़ी बहुत बाधा डालती है, लेकिन अफसोस तो ये है कि इसका सिर्फ एक ही सीजन है और इसकी स्टोरी एंड वर्ल्ड को एक्सपेंड करने के लिए और एपिसोड्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन फैंटास्टिकल कंसेप्ट और गुलशन देवैया की लाजवाब परफॉर्मेंस के साथ इसका एक सीजन भी डिसेंटली वर्थ वॉच तो है ही। ये इंटरेस्टिंग सीरीज जो अब तक लोगों की नजरों से बची हुई है वो प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और Amazon मिनी टीवी पे तो फ्री में इसे बिंज वॉच कर सकते हो। नंबर 6 पर एक इमेंसली लवेबल एंड क्वर्की रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जो आपको रिलेटेबल और एंटरटेनिंग दोनों फील देगी। 2022 में रिलीज हुई Netflix सीरीज इटर्नली कंफ्यूज्ड एंड ईगर फॉर लव। अब मैं जानता हूं कि ये नाम बहुत ही लंबा है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन उतना ही छोटा है। ओके, तो ये सीरीज हमें एक बहुत ही ऑकवर्ड एंड लोनली लड़के की कहानी दिखाती है जो अपनी गुड़िया से बातें करता है, और वर्स्ट पार्ट तो ये है कि उसकी गुड़िया भी उससे बातें करती है। अब इस सीरीज के ज्यादा ना फेमस होने का मेन रीजन यही है कि एक इंडियन सीरीज होने के बावजूद भी इंग्लिश में रिलीज हुई थी और इसकी सेटिंग एंड सर्कमस्टेंसेस थोड़े बहुत अनरिलेटेबल भी फील हो सकते हैं, लेकिन इसके कैरेक्टर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल हैं। अपनी ग्रेट राइटिंग और हम सबके फेवरेट जॉनरा कॉमेडी में एग्जिस्ट करने के बाद भी ये सीरीज मासेस तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि इसकी मार्केटिंग थोड़ी वीक थी और इसका कंसेप्ट भी थोड़ा अनअप्रोचेबल सा फील होता है, लेकिन मेरी तरफ से ये सीरीज टोटली रिकमेंडेड है। तो अगर आप लाइट हार्टेड स्टोरीज और ड्रामा पसंद करते हैं तो फिर नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 5 पर एक ऐसी सीरीज है जो प्रूव करती है कि मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और भाई ड्रामा से नहीं बल्कि बहुत ही डेडली और थ्रिलिंग राइड के जरिए इस प्रॉब्लम को सामने रखती है ये सीरीज। 2019 में रिलीज हुई Z5 की सीरीज द फाइनल कॉल, जिसका तुम लोगों ने शायद नाम भी ना सुना हो। पायलट करण सचदेव, जो कि एक एयरफोर्स कैप्टन था और इसी वजह से उसे PTSD है, अब उसके ये मेंटल इश्यूज उसके प्लेन में बैठे 250 लोगों की जान पे भारी पड़ जाते हैं। देखो, कुछ जगह ये सीरीज थोड़ी अनरियलिस्टिक फील हो सकती है, लेकिन अगर तुम इस सीरीज के कंसेप्ट को एक्सेप्ट करके इसे देखोगे ना, तो फाइनल कॉल एक बहुत ही थ्रिलिंग और ब्रिलियंटली एक्टेड सीरीज नजर आएगी। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो इस सीरीज में हमें अर्जुन रामपाल की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस एवर देखने को मिलती है। तो भाई बिना किसी सेकंड थॉट के इस हिडन जैम को आप Z5 पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बवाल कंसेप्ट वाली सीरीज है जो किलर मिस्ट्री के जरिए एक नेवर एंडिंग थ्रिलर राइड पर लेकर जाती है, और इसे देखने के बाद फील होता है कि इंडियन सिनेमा भी हाई कंसेप्ट स्टोरीज बना सकता है। 2020 में रिलीज हुई JL50, जिसे देखना तो दूर, इसका नाम भी शायद आप में से कुछ लोगों ने ही सुना होगा। ये पूरी की पूरी सीरीज ही एक क्रैश्ड प्लेन की मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमती है, और इंटरेस्टिंग नोट तो यह है कि वो क्रैश्ड प्लेन 35 साल पहले गायब हो गया था। JL50 में कोई वीक पॉइंट नहीं है क्योंकि ये सीरीज अपनी इतनी बवाल स्टोरी को भी काफी ग्राउंडेड और रियलिस्टिक तरीके से दिखाती है, एंड अभय देओल की परफॉर्मेंस तो मतलब सुपर से भी ऊपर है। बस इसकी पेसिंग कुछ एपिसोड्स में थोड़ी स्लो फील होती है, लेकिन वो स्लो मोमेंट्स भी इसकी कहानी को, इसके वर्ल्ड को समझने में काफी हेल्प करते हैं। तो अगर JL50 की ब्रिलियंस को लेकर आप कन्विंस हो चुके हैं, तो सोनी लिव पर जाइए, इसे एंजॉय कीजिए। वहां पर ये हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, मराठी सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैमिली वेब सीरीज जो आपको लव, सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स से लेकर इनलॉस तक सबकी एक फन लविंग स्टोरी दिखाती है। 2017 में शुरू हुई सीरीज व्हाट द फोक्स,
ये कहानी है निखिल की, जो एक वर्क ट्रिप की वजह से अपनी न्यूली मैरिड वाइफ के पेरेंट्स के पास जाकर रुकता है और बस यहीं से शुरू होते हैं ऑकवर्ड और इमेंसली फनी मोमेंट्स। अब वैसे तो ये एक फील गुड सीरीज रही है, लेकिन एंड सीजन्स में जाकर इसमें थोड़े बहुत हैवी टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इसका मजा, इसका फनी टेस्ट बिल्कुल सेम ही रहता है। तो भाई लोग, ये एक बहुत ही लाइट हार्टेड शो है जिसे अब तक उतना नोटिस नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप भी फैमिली के साथ देखने लायक सीरीज ढूंढ रहे हैं तो फिर ये एकदम परफेक्ट सीरीज है। कोई भी नोटिसेबल वीक पॉइंट इसमें नजर नहीं आएगा। इसके सारे सीजन डाइस मीडिया के यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है। नंबर दो पर है एक बहुत ही सैड एंड आई ओपनिंग सीरीज, और ये एकदम ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। 2023 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स सीरीज ट्रायल बाय फायर, जो इस लिस्ट में जेएल 50 के बाद अभय देओल की सेकंड सीरीज है। भाई इस बंदे ने बहुत कम मूवीज और शोज में काम किया है, लेकिन जहां भी ये आया है ना, एकदम सुपर्ब लेवल परफॉर्मेंस मिली है, और ट्रायल बाय फायर तो इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। ये सीरीज अपने नाम को पूरी पूरी तरह से जस्टिफाई करती है अपनी ब्रिलियंटली रिटन स्टोरी से। ये कहानी उन पेरेंट्स की है जो अपने बच्चों को सिनेमा थिएटर में लगी एक आग की वजह से खो चुके हैं, और अब गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए इस फैमिली को एक लॉन्ग एंड लाइफ रनिंग कोर्ट केस लड़ना पड़ता है, जो इस सीरीज की बैकबोन बनता है। अब ये ड्रामेटिकली एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी ये इतनी अंडररेटेड है क्योंकि इसमें डायलॉग्स और एक्टिंग हैवी स्टोरी मिलती है विदाउट एनी एक्शन और मिस्ट्री। ये सीरीज हमें सिर्फ सोसाइटी का सच दिखाने का काम करती है, जो सुनने में कड़वा है लेकिन सच है। तो इस सीरीज की ये इंपॉर्टेंट स्टोरी और अभय देओल एंड राजश्री देशपांडे की बाप लेवल परफॉर्मेंसेज इसे एकदम मस्ट वॉच बना देते हैं। नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी, तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। फाइनली बारी आ जाती है सबसे तगड़े हिडन जैम। बेसिकली ये सीरीज दृश्यम है एक सीरीज की फॉर्म में। मेरा मतलब है कि इस सीरीज में भी सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली। हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह बिल्कुल वैसे। 2021 में रिलीज हुई सोनी लिव ओरिजिनल टबर, जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला माल है। सिर्फ एक बदकिस्मत रात को हुए एक बदकिस्मत हादसे की वजह से एक हंसते खेलते परिवार की पूरी दुनिया ही पलट जाती है, और अब किसी भी तरह से उन्हें इस हादसे से बचकर निकलना है। दोस्तों, ये एक परफेक्टली पेस्ड और ब्रिलियंटली रिटन सीरीज है, जो वैसे तो दृश्यम के कंसेप्ट का रिप ऑफ फील हो सकती है, लेकिन अपने डिफरेंट एंड वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली डायनामिक्स एंड ब्रिलियंटली रिटन स्टोरी की वजह से ये एकदम ट्रू परफेक्शन है। इस सीरीज की एक और चीज मुझे सबसे मस्त लगी, और वो ये है कि ये लैंग्वेज वाइज भी पूरा कमिटेड है। मतलब कि इस सीरीज की स्टोरी पंजाब में सेट है, और ये हिंदी और पंजाबी लैंग्वेजेस की हाइब्रिड है। बॉलीवुड की तरह ये सिर्फ इत्थे उत्थे नहीं करती है, बल्कि ऑथेंटिक तरीके से अपनी स्टोरी को और अपने हर एक कैरेक्टर को उस पंजाबी बैकड्रॉप में दिखाती है। इस हाईली डिजर्विंग शो को सोनी लिव पर आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, मराठी किसी भी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है वो इंडियन सीरीज जिन्हें एक बार ट्राई करना तो बनता है बॉस। अब ऐसी कोई कड़क सीरीज जो तुमने देखी है और तुम्हें लगता है कि वो हिडन कंटेंट ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस डिजर्व करता है, तो कमेंट करो, नेक्स्ट पार्ट में मैं उसे जरूर इंक्लूड करूंगा। ऐसे ही 100% क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और अपने ट्रू मूवी लवर फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करना। वेब सीरीज के बाद अब अगर ऐसी ही एकदम हिडन मास्टरपीस इंडियन मूवीज देखनी है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।